दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस जमाने में जी रहे हो और आपने कभी लेनेवो का नाम ना सुना हो, और आप लेनेवो के नाम से काफ़ी वाकिफ भी होंगे, लेकिन शायद आप ये न जानते हो कि आज लेनेवो जहाँ भी है, लेनेवो को यहाँ तक पहुँचने में बहुत संघर्ष और परिश्रम का सामना करना पड़ा है, जो कि लेनेवो कंपनी के मालिक कभी अपने पैसे बचाने के लिए अपनी सफ़र पैदल ही किया कर देते हैं, और इतने मुश्किलों को पार करने के बाद तब जाकर आज लेनेवो सिर्फ अपने नाम से पूरी दुनिया भर में जानी जाती है, जो कि लेनेवो टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को डेवलप करती है, जो कि लेनेवो खासकर पूरे दुनिया भर में अपने लैपटॉप के कारण जानी जाती है, लेकिन लेनेवो स्मार्टफोन के भी मामले में वर्ल्ड के टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड के लिस्ट में आती है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना कुछ जानने के बाद आपको लेनेवो की सफलता की कहानी के बारे में जरूर जानने की इच्छा होगी। तो इसलिए आज मैं आपको लेनेवो की सक्सेस स्टोरी के बारे में शुरू से बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार इतने बड़े इंटरनेशनल कंपनी की शुरुआत कैसे एक छोटे से जगह से हुई थी। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जब लियू चुआनजी नाम के एक इंसान का जन्म 29 अप्रैल 1944 को चाइना के जेंगजियान नाम के एक शहर में हुआ था, और जैसे कि सब बच्चे अपने बेसिक स्टडी को कम्प्लीट करते हैं, वैसे ही लियू ने भी अपने बेसिक स्टडी को कम्प्लीट किया। फिर उसके बाद उन्होंने 1962 में हाई स्कूल से अपने ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया, और ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद लियू का यह सपना था कि वो मिलिट्री पायलट बनेंगे, और उन्होंने मिलिट्री पायलट की सब तैयारी भी की और उन्होंने अपने सब एग्जाम को पास भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मिलिट्री पायलट के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनके परिवार में पहले से कोई आर्मी के विरुद्ध देशद्रोही का काम कर चुका था, और लियू के सिलेक्शन के लिए उनके पिता ने भी अपना खूब दम लगाया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने क्रांतिकारी प्रमाण पत्र को भी लगा दिया था, लेकिन आखिरकार लियू का मिलिट्री में कुछ नहीं हो पाया और उनके पायलट बनने का सपना सपना ही बन के रह गया, और इसलिए उन्होंने अपने सपने को छोड़कर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। लेकिन यहाँ भी उनके साथ ये दिक्कत थी कि वो जो पढ़ना चाहते थे, या तो ऐसे कर लीजिए कि लियू की जो मनपसंद सब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट उनके कॉलेज में थी नहीं, और इसलिए उनको मन मारकर अपनी पढ़ाई करना पड़ता था, लेकिन इसी दौरान उनको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज मिल गई थी, और इसके बाद उन्होंने चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस को एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर लिया, जिसमें कि वो पूरे 14 साल तक काम करते रहे, जिसमें कि वो नंबर 104, 109 और नंबर 111 जैसे कंप्यूटर फ्रेम को डेवलप किया करते थे। लेकिन उनको चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस में 14 साल काम करने के बावजूद भी उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे, और वो सीएस में काम करने के दौरान ये सोच लिए थे कि उन्हें इस जॉब को छोड़कर उन्हें कुछ अपना करना है, और सिर्फ पैसे कम मिलने के कारण नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह थी, और इसलिए उन्होंने 1984 में 2000 युआन की मदद से उन्होंने 10 इंजीनियर के साथ मिलकर सिर्फ 20 स्क्वायर यार्ड की जगह में उन्होंने खुद की कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने लीजेंड रखा था, और अपने कंपनी के शुरुआती टाइम में सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन को इंपोर्ट करके बेच दिया करते थे, लेकिन कंपनी कोई खास नहीं चली और कंपनी को घाटा भी सहना पड़ा, और इसलिए उनकी कंपनी इस काम को छोड़ दी। फिर इसके बाद उनकी कंपनी लोगों को, खासकर न्यू कंप्यूटर बायर को, कंप्यूटर के बारे में राय देती थी, जो कि साथ ही साथ कंप्यूटर क्वालिटी भी चेक किया करती थी, और हालांकि इस काम से थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट भी हुई, लेकिन इस काम का फ्यूचर कोई खास नहीं था, इसलिए उन्हें इस काम को भी बंक कर देना पड़ा। फिर उसके बाद वो लोग डिजिटल वॉच के भी बिजनेस किए, लेकिन उनकी ये भी बिजनेस ठप हो गई थी, और उन्होंने और भी चीज़ों को अपने कंपनी में ट्राई किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सारी की सारी बिजनेस ठप हो गई थी, और इतने फेलियर के बाद भी वो लोग कुछ ना कुछ नया करने में लगे रहे, और लेनेवो के मालिक लियू का यही कहना था कि हम लोग नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें, और हर एक कदम पर हार मिलती गई, और एक एक हार नहीं, छोटी सी लीजेंड कंपनी को आज लेनेवो के रूप में एक इंटरनेशनल ब्रांड में तब्दील कर खड़ा कर दिया है, जो कि लियू और उनके साथी लगातार अपने हर एक बिजनेस को फेल होते हुए देखते गए, और इतनी असफलता के बाद लोगों के मन में यही होती है कि अगला बिजनेस भी फेल ही होने वाला है, और इसी उम्मीद को रखकर उन्होंने अपनी कंपनी में एक बार फिर से सर्किट बोर्ड के लिए अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किए, और उनकी कंपनी सर्किट बोर्ड को डेवलप करने लगी, और उनके टीम में किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उनकी यही सर्किट बोर्ड की बिजनेस उनकी कंपनी को बहुत बड़ी सफलता हासिल करवाएगी, और सफलता ही नहीं बल्कि उनके सर्किट बोर्ड को IBM जैसी इंटरनेशनल कंपनी प्रोसेस करेगी, और उनकी कंपनी की यही सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी थी। और इसी चीज को देखते हुए लियू ने 1988 में चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन लेकर चाइना के हांगकांग में अपनी कंपनी की एक और ऑफिस को एस्टेब्लिश किए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोग काम किया करते थे, और हांगकांग में ही लियू के पिता रहते थे, और उन लोगों की कंपनी की तरफ लगाव इतना था कि सिर्फ पैसे बचाने के लिए
पैदल चला करते थे ताकि थोड़े मोड़े बचे पैसे भी कंपनी में काम आ जाए। और लियो ने चाइना के चाइना यूथ न्यूज नाम के एक पेपर में अपने कंपनी में लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए फ्रंट पेज पर एक ऐड छपवाया था, जिसमें कि उन्हें ऐड के कारण अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उनके कंपनी में शामिल हो गए थे। और 2 साल बाद ही लियो ने अपने कंपनी में अपनी टीम की मदद से कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए, जो कि अपने कंप्यूटर को लीजेंड नाम से बेच दिया करते थे। और अभी के समय जो लिनोवो कंपनी के सीईओ हैं, जिनका नाम वैंकिंग है, उन्होंने कंपनी का नाम लीजेंड से लिनोवो रख दिया था, जो कि उन्होंने लीजेंड वर्ड से LE और लैटिन वर्ड से नोवो से कंपनी का नाम लिनोवो रख दिया। और लिनोवो की ये सफर कुछ ऐसे चलती गई। तो दोस्तों, यही थी लिनोवो कंपनी की बेसिक कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।